दिल्ली के बुजुर्गों के लिए सीएम केजरीवाल श्रवण कुमार साबित हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए पहली ट्रेन को रवाना किया है। सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रामलला के लिए रवाना हो गई है और इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। देखिए रिपोर्ट। बुजुर्गों के लिए आपकी तीर्थ यात्रा अयोध्या रवाना हुई पहली ट्रेन। सीएम केजरीवाल ने निभाया अपना वादा। रामलला के लिए ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ये नजारा है दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन का, जहां का माहौल तब भक्तिमय दिखा जब दिल्ली के बुजुर्गों के लिए सीएम केजरीवाल ने अयोध्या जाने वाली पहली ट्रेन को रवाना किया। यहां आप देख सकते हैं सीएम केजरीवाल श्रवण कुमार के रूप में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया है। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का पहला जत्था अयोध्या रामलला के दरबार जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितनी भारी तादाद में यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं। खासतौर इन श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अलग अलग विधानसभा से अलग अलग मात्रा में, कहीं से 100, कहीं से 150, कहीं से 200, इस संख्या में श्रद्धालु रामलला के दरबार जा रहे हैं। ये यात्रा 4 दिन की होगी। सीएम केजरीवाल ने इच्छा जताई थी कि वे दिल्ली के सभी बुजुर्गों को रामलला के दर्शन करवाएं, जिसके तहत पहली ट्रेन भगवान राम के जय घोष के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गई। सबको खुश देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये सिलसिला चालू हुआ है कोरोना की वजह से, हमारी तीर्थ यात्रा योजना की वजह से सिलसिला रुक गया था। अब चूँकि थोड़ा कोरोना कम हुआ है तो ये ट्रेन भेजना दोबारा हमने चालू किया है। आज अयोध्या के लिए पहली ट्रेन गई है, अब दूसरे तीर्थ स्थानों के लिए रामेश्वरम है, हरिद्वार, ऋषिकेश, अजमेर शरीफ, सब जगह ट्रेने जा रही है। माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी रामलला जी के दर्शन करने गए थे कुछ दिन पहले और वहाँ उन्होंने यही भगवान से प्रार्थना की थी कि जिस प्रकार उनके दर्शन के बाद उनको अच्छा लगा, कि वो चाहते हैं कि पूरे दिल्लीवासी और देशवासी अयोध्या जी जाएं और रामलला जी का दर्शन करें और आशीर्वाद लें, और सारी चीज़ें पूरे जो इंतज़ाम है उसी को माइंड में रखते हुए किए गए हैं और बहुत जल्द इतने अच्छे इंतज़ाम जो हैं किए हैं। वहीं अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले इन बुजुर्गों का यहां स्वागत सम्मान किया गया, जिसके लिए उन्होंने सीएम केजरीवाल का दिल से आभार जताया। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त सफदरजंग रेलवे स्टेशन और यहां आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यात्री लोग मौजूद हैं, जो कि रामलला के दरबार पे जाने के लिए बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये माननीय केजरीवाल जी का बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है टुवार्ड द सीनियर सिटीजन। किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कभी नहीं सोचा कि इन सीनियर सिटीजन को भी कोई तीर्थ यात्रा कराई जाए। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ खास शब्द केजरीवाल जी के लिए? केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, उनका जैसा तो कोई भी नहीं कर सकता, बहुत अच्छा कर रहे हैं दिल्ली में। इनकी आपका तारीफ ये करनी चाहिए कि जैसे ये सीनियर सिटीजन को इन्होंने अपना पेंशन दिया है 2500 कर दिया है और ये राशन फ्री है, उसके अलावा पानी फ्री, बिजली फ्री, तो ये कई लोगों को तो ये महसूस नहीं होता कि बिल्कुल ये बेकार कर रहे हैं, पर जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके लिए स्वर्णमित है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने में कोई परेशानी? नो, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। कितने टाइम पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? 1 वीक ago। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सीएम केजरीवाल दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री अयोध्या की यात्रा करा रहे हैं। इसके लिए बुजुर्गों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य भी इस यात्रा में जा सकता है। इस पूरी यात्रा और बुजुर्गों के रहने खाने का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। बता दें कि अयोध्या दौरे पर गए सीएम केजरीवाल ने ये ऐलान किया था कि वे दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री अयोध्या यात्रा करवाएंगे और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से भावना सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस
any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.